Hello friends, I Vaibhav welcomes you in Horizon Academy. In last lecture we have seen how to calculate a major diameter of screw thread by using floating carriage diameter measuring machine. In this video we are going to see how to calculate a minor diameter of screw thread by using floating carriage micrometer. जैसे लास्ट लेक्चर में देखा आपको कि जितना आपका स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर होगा उतना आपका सेटिंग सिलेंडर लिया था, वो तो ठीक है, वो प्रोसीजर हो गया, मतलब एक्चुअल वर्किंग हो गया कि कैसे आप उसको निकाल सकते हो. लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग कैरेज लिया है. यहाँ पे आपको फ्लोटिंग कैरेज के बारे में पहले पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग कैरेज क्या होता है, कि बेस होता है, उसके ऊपर पिलर होते हैं, फिर पिलर पे आप क्या करते हो, एनविल रहते हैं कि जो सेंट्रल परफेक्टली अलाइन होते हैं, फिर ये जो बेस रहता है बेस को एग्जैक्टली ऊपर 90 डिग्री में एक कैरेज रहता है, वो कैरेज क्या करता है आपका थ्रेड एक्सिस को पैरेलल मूव करता है. और जो तीसरा कैरेज होता है वो क्या करता है, थ्रेड एक्सिस को 90 डिग्री में मूव करता है, मतलब ये डायरेक्शन में मूव करता है ऐसे. और ये जो थर्ड कैरेज है आपका फिड्यूशियल इंडिकेटर रहता है और माइक्रोमीटर का ड्रम रहता है. इतना आपका कंस्ट्रक्शन है. और फिर ये जो आपका माइक्रोमीटर का जो रीड लिस्ट काउंट है वो कितना है, 0.002 है. ये आपको इतना क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है. फिर वर्किंग में लिखते टाइम अभी स्टार्ट कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्किंग की तरफ जाते हैं कि मैंने क्या किया, एक सेटिंग सिलेंडर लिया है. यहाँ पर सेटिंग सिलेंडर को मैंने एनविल के बीच में बराबर से उसको फिट किया. फिर आपके जो एनविल थे, जैसे आपको पता है कि एनविल आपके ऐसे होते हैं, एक फिड्यूशियल इंडिकेटर का एनविल होता है और एक माइक्रोमीटर ड्रम का एनविल होता है. ये माइक्रोमीटर का कंसीडर करो, ये आपका फिड्यूशियल का कंसीडर करो. फिर ये जो प्लेन होते हैं तो आपको आपका माइनर डायमीटर तो कहाँ पे होता है, ये जो रूट है, रूट के यहाँ पे आपका माइनर डायमीटर आपको मेजर करना पड़ता है, यहाँ से ऐसे मेजर करना पड़ता है. तो ये एनविल इसके अंदर तो नहीं जा सकती, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक वी पीस ऐसा अटैच किया. जो मार्केट में अलग अलग एंगल के वी पीस अवेलेबल रहते हैं, जितना आपका एंगल रहेगा, कंसिडर करो आपका एंगल 50 डिग्री है आपका थ्रेड का, तो आप काम करो इससे कम वाला एक वी पीस सिलेक्ट करो और वो क्या करो आपके एनविल को अटैच कर दो. सेम अपोजिट साइड भी वैसे ही करो. फिर सेटिंग सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे रख के उसका रीडिंग ले लो. वो जो रीडिंग आएगा आपका रीडिंग क्या रहेगा, वो R1 रहेगा, ठीक है. और ओरिजिनल जो सेटिंग सिलेंडर का जो रीडिंग है वो आपका क्या है, DA, मतलब मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी वहाँ पे उसके ऊपर लिखा होता है कि कुछ तो इसका रीडिंग है बोल के, ठीक है. अभी आपको क्या करना है, ये सेटिंग सिलेंडर निकाल के आपको क्या करना है कि आपका जो एक्चुअल वर्क पीस है जिसका आपको माइनर डायमीटर मेजर करना है वो बिटवीन एनविल के बीच में रख दो यहाँ पे. और फिर वही प्रोसीजर फॉलो करो, इधर आपका फिड्यूशियल इंडिकेटर का एनविल इसके रूट को टच करेगा, ऐसे टच करो. सेम अपोजिट साइड में आप जो आपका माइक्रोमीटर का एनविल है वो भी इसको यहाँ पे टच करो. वो जो रीडिंग आएगा वो रीडिंग क्या रहेगा आपका, R2 रहेगा. इसको ये भूल जाओ, इसको मत यार देखो. फिर माइनर डायमीटर क्या रहेगा आपका, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू D प्लस माइनस R2 माइनस R1. इससे क्या कर सकते हो आप, आपका जो भी कुछ थ्रेडेड वर्क पीस रहेगा या कुछ मतलब ये रहेगा थ्रेड प्लग गेज रहेगा, आप इसका क्या कर सकते हो, माइनर डायमीटर निकाल सकते हो. पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखो आपके पूरा इसका फ्लोटिंग कैरेज का, फिर उसके बाद वर्किंग लिखो. वर्किंग में कैसे याद रखना है कि पहले सेटिंग सिलेंडर लिया, सेटिंग सिलेंडर का मैंने रीडिंग लिया, वो रीडिंग मेरा R1 था. फिर मैंने सेटिंग सिलेंडर निकाल के थ्रेडेड वर्क पीस डाला, उसका रीडिंग कितना आया मेरा, R2 आया. फिर फॉर्मूला लिखना है आपको, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू D प्लस माइनस R2 माइनस R1. ऐसे सिंपल है ये. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. इसके नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका थ्रेड माइक्रोमीटर का. थैंक यू.